हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करेंगे टीपी लिंक का गीगाबिट इथरनेट अडाप्टर। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें 3 USB 3.0 के पोर्ट दिए हुए हैं और इसमें 1 गीगाबिट इथरनेट का ये दिया हुआ है, जिसमें 2 लाइटें हैं सेंड और रिसीवर का, और इसमें ये इंडिकेटर लाइट है कि ये चल रहा है कि नहीं। ये USB 3.0 है, 3.1 नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और इसका पैकेट कुछ इस तरीके से दिखता है। USB 3.0 ये सभी से कंपैटिबल है, लिनक्स मैक और विंडोज़ इसमें दिया हुआ है, मतलब कि हर किसी से। तो इसका हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे एक तरीके का। ये होगा, एक तो ये इथरनेट का स्पीड टेस्ट करेंगे। मेरे पास गीगाबिट इथरनेट का प्लान है एयरटेल का, तो हम लोग इसका इथरनेट का स्पीड टेस्ट करेंगे और एक यूएसबी का स्पीड टेस्ट करेंगे। मेरे पास है सैंडिस्क का, ये वाला जो है सैंडिस्क का 3.1 USB 3.1 पेन ड्राइव, तो स्पीड टेस्ट के लिए सही रहेगा। ये देखेंगे कि कितना ये मैक्सिमम स्पीड हैंडल कर सकते हैं। वैसे यूएसबी के 3.0 के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं स्पीड के, फिर भी देखते हैं कितना ये प्रैक्टिकल स्पीड चल लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के। तो पहले है, मैं कनेक्टेड हो गया हूँ उस इथरनेट अडैप्टर से और मैं कैट 5e का केबल यूज़ कर रहा हूँ, जिन लोगों को देखना। तो स्पीड टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर देखना इसमें देखते हैं बताता है कि नहीं, कहीं टीपी लिंक से हो कि नहीं। चेंज अडाप्टर ऑप्शंस, मैं यही बता रहा बस, और कुछ है नहीं। तो ये वाला, ये लैपटॉप का है और ये टीपी लिंक का है। देखते हैं स्पीड टेस्ट करके। एक कुछ फाइल वाइल भी डाउनलोड करके देखेंगे गूगल ड्राइव से, तो दे कितना क्या स्पीड रहता है। मेरे लैपटॉप के फैन चालू हो गया और काफी अजीब स्पीड है। तब तक गया नहीं, लेकिन 800 तक का स्पीड बता रहा है। इसमें देखते हैं कितना बता रहा है, ये तो कम ही बताता है हमेशा। फास्ट में जाके देखते हैं, तो मैं ना ही हो 240। गूगल ड्राइव का करके देखते हैं। मैं कोस कैटेलिना, ये नहीं कौन सा करे। एक तो ये वेबसाइट में इतने ज्यादा लिंक, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, क्या है लगा गया। चलो तो 900 तक गया है।
900 से 1000, तो ये सर्वर के ऊपर ही डिपेंड करता है इन लोगों के क्या है, गीगाबिट हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेजोरिटी लोग तो गीगाबिट स्पीड चलाते हैं नहीं, मुश्किल से 100 Mbps कॉमन ज़्यादातर होंगे तो 100 Mbps के होंगे, गीगाबिट वाले बहुत कम होंगे, बहुत ही कम। तो अभी ये 900 तक तो जा रहा है गूगल ड्राइव में, अब यूट्यूब का भी करके देख ही लेते हैं। स्पीड क्या है, ठीक ठाक ही आ रहा है, ठीक ठाक मतलब कि अच्छी आ रही है इसका। चलो यूट्यूब का देखते हैं। कुछ नहीं हो रहा भाई, देखो ये मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का ऐसे ही हाल होता है, जैसे कुछ रिकॉर्ड करो लैपटॉप के पढ़ के पूरे फुल स्पीड में चल, ऐसा लग रहा हवाई जहाज चल रहा हूँ। तो ये जंप हो रहा है यूट्यूब के में, तो जंप हो रहा है सीधा। ये मैं बाइक गाय तभी मैं अरे SS5 में चलेगी, ओ भाई हमें पता ही नहीं था कि SSD के ऊपर फुल स्पीड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब ठीक चल रही है। हाँ तो ये तो इसका इतनी ही स्पीड रहेगा, मतलब 950 मुश्किल से 950 ही टिक हिट करेगा। अब ये डाउन कर गया है, 300 हो गया फिर इसकी ऐसी स्पीड होगी। अब ये USB का एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे जाता है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। आगे एक सर्च करेंगे, सब इसको भी पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये सी ड्राइव का बता रहा, हमें सी ड्राइव का चाहिए नहीं, हमें इसका ये पेन ड्राइव का है, इसका
तो इसका ये आप देख सकते हैं डिस्क टू रिमूवेबल जो कि पेन ड्राइव का है, इसमें इसकी कैपेसिटी 50 MB है, तो मैक्सिमम 50 MB सिक्वेंशियल का अभी तक प्रिपेयरिंग पे जा रहा है। रेट स्पीड इतनी है 130। मतलब सही है, मतलब कि अगर 1 GB तो इसका बाकी में 1 GB सपोर्ट करता है सही। तो मतलब ये वाकई में क्या बोलते हैं 1 GB का स्पीड ये 6 से 7, मतलब कि मुश्किल से ज़्यादातर 130-140 MB पर सेकेंड रेट में जाएगी, और 40 से 50 मान लो लाइट की स्पीड जाएगी, तो इसकी भी वैसे 4K का है। ठीक ही है, उतना ज़्यादा हाईफाई का नहीं है। तो क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ? हाँ जी, अगर आपके यहाँ पे इथरनेट का अगर कुछ वो क्या बोलते हैं, अगर इथरनेट पोर्ट ख़राब है या फिर इथरनेट पोर्ट है ही नहीं तो फिर ये सही है, और आपके यहाँ लैपटॉप या फिर लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप में तो रहता ही रहता है, अगर आपके लैपटॉप में USB टाइप ए का पोर्ट है तो ये आपके लिए सही है। मेरे लैपटॉप में तो क्या बोलते हैं पुराने वाले लैपटॉप में इथरनेट पोर्ट का वो ख़राबी था, तो ये मेरे लिए सही रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।